फिर भी हम सब एक हैं। अब एक दूसरे का मान सम्मान करके अपने अपने त्यौहार मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। गांधी जी में अभी तक कभी कुछ लफड़ा हुआ नहीं, दंगा हुआ नहीं। और हमारे साइलेंट दीवार थी एसीपी साहब और दिनकर यादव जी यहाँ के सीनियर और सावंत साहब, सभी लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई और दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आपने बता दिया अच्छी तरह से, लेकिन कोई और नहीं बता दिया। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है मैंने टाइम अलग बता दिया कि मेरा भी रिक्वायरमेंट था साथ में। आपसे मुलाकात करनी थी उनकी। कितना डिफरेंस है देखो, फिर भी हम सब एक हैं। अब एक दूसरे का मान सम्मान करके अपने अपने त्यौहार मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। गांधी जी में अभी तक कभी कुछ लफड़ा हुआ नहीं, दंगा हुआ नहीं। इससे पहले दो तीन मीटिंगें मैंने की तो लोगों से मालूम पड़ा कि ये बड़ा शांत है और ये शांत एरिया जो है हमें वही शांति बरकरार मिलती है। आप लोग जो है वो स्थायी लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, किसी की दूसरी पीढ़ी रहेगी यहाँ पर, किसी की चौथी रहेगी और किसी की पहली रह सकती है यहाँ रहने वाले, और आगे की आपकी पीढ़ियाँ आपकी यहाँ पर ही रहने वाली है। हम लोग तो फॉरनर जैसे हम आते हैं दो साल के लिए, दो साल के बाद में हम लोग बदली करके चले जाएंगे बस। तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्योंकि आपका एरिया है, आपको वैसे ही अच्छा एरिया बना के रखा है। क्योंकि कल आपने लड़की की भी शादी करनी है तो सामने वाला पूछता है लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है। लेकिन आपने बिरादरी चलते हैं सब देखते हैं ऐसा एरिया से तुम है, वो डेयरिंग करेगा लड़की देने के लिए या लड़की करने के लिए। वो हिसाब से भी अपने एरिया अच्छा रहना ज़रूरी है। अभी हम लोग हैं पुलिस वाले कितने होंगे, अपनी यहाँ की आबादी लाखों में होगी और हम लोग तो 150-150-200 के रहेंगे। जो मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे, शांतता कमेटी के मेंबर्स हैं, आपके जैसे जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो हमारी आम और पानी। हम जब जाएंगे पब्लिक के अंदर तो सारी बातें हमारे सामने कोई बोलेगा हिम्मत नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। एरिया में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी हम सबसे पहली बात हो रही है। वो आज मैं मीटिंग इसीलिए किया कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा भी कुछ भलक लगता है, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तो पॉलिटिकल माहौल आपके यहाँ से चल रहा है तो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। तो उनके इसमें अभी देख सकते इलेक्शन आने वाला है तो वो राजनीति राजनीति ज़्यादा रहेगी, लेकिन अपने धार्मिक इसमें अपने माहौल में कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए। तो किसी को अगर कुछ भी यहाँ गलत हो रहा है और कुछ अलग ही पढ़ रहा है यहाँ जब मालूम पड़ता है तो हम अपेक्षा नहीं करते कि आप जाके उसे सुन जाए, वो आपका काम भी नहीं सुन जाए, यदि ऊपर वो काम हमारा है वो बात खाली हम तक पहुँचनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी है कि जो पब्लिकली बोली जा सकती है, कुछ अकेले में आगे बोली जा सकती है, तो वैसे भी कुछ रहेगा तो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले भी जाएंगे लेकिन आपको यहीं पे रहना है। आपको जो भी लोग यहाँ पे रहने वाले भले किसी भी मजहब पे रहे, आपको एक दूसरे का वो आपको ही देखना है ताकि उसमें से कुछ ना हो जाए। अभी तक तो कुछ ऐसे हुआ ही नहीं है, आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये अभी त्यौहार आ रहे हैं अलग अलग तो अभी हमारा काम है आपको मीटिंग लेके आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से कुछ इनपुट आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें आमदन भी करना होता है, मौका मिला है तो हमें आपकी तरफ से कुछ सजेशन। देखिए मैं अभी ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा कि आषाढ़ी एकादशी और बकरा ईद एक ही दिन आ रहा है और आषाढ़ी एकादशी जो है
हमारे मराठी बंधु जो है ये ज्यादा मनाते हैं और इस पर ध्यान रखें, वो भी उपास है। तो इसी प्रकार का जैसे सब धर्म संभाव से हर टाइम मनाते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा चलते आ रहा है वो बरकरार रहे, यही दो शब्द के साथ मैं अपना समापन करता हूँ। बाकी किसी प्रकार का जैसे त्योहार में जैसे नंबर वन खादी वाली था, नंबर वन है और नंबर वन रहेगा। ठाकुर जी और हमारे साहब भिवार जी, एसीपी साहब और दिनकर यादव जी यहाँ के सीनियर और सावन साहब, सभी लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह इन लोगों का मोहल्ला कमेटी पर प्यार बना रहे, ऐसे अमन शांति सर्व धर्म संभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक मोहब्बत बना हुआ है बना रहे इसी तरह। और क्योंकि 10 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है और बकरा ईद है, ये दोनों जो है आप लोग संभाल के खुशी खुशी से मनाइए। और पुलिस का पूरा सहयोग है, अभी देखिए दीवार साहब ने विस्तार में समझा दिया, समझा दिया और जो कुछ बचा था हमारे किसान ठाकुर जी आकर के हम लोगों का मनोबल क्या किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बाहर कोई भी न काटे, अगर कहीं जगह है तो कायदे से उसको ढक लेवे, और कोई भी व्यक्ति काटने का या बोटी मारने का या जो भी है ना उसका वीडियो ऑडियो न बनाने दे। बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि नौजवान लोग ऐसा काम बहुत करते, तो ये सब चीज़ पे पाबंदी लगाइए, अपने अपने बच्चों को समझाइए कि कोई भी वीडियो वीडियो न बनाए। धन्यवाद। मदद करना है। रहता है। हम सब का यही एक नारा रहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो आगे जो भी त्यौहार आ रहा है उसमें भी हम सबको इसी तरह से मिल मिला के और जो भी बातचीत अभी हो रहा है इसका चर्चा एक दूसरे को भी बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक दूसरे को ये मस्जिद में जब मौलाना लोग अनाउंस कर देंगे बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आप जो बताना चाहते हो वही सारी बातें हैं, इसी बात को लेकर के जो मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं वो जाके वहाँ बता देंगे, और जब कल जब नमाज होता है तो उसमें अलाउंस कर देंगे, हर चीज़ की सेफ्टी रखे, इसके लिए बहुत अच्छी जो है बात हो जाएगी और हम सब का जो है मान सम्मान भी रहेगा, कोई विवाद ना हो, इसीलिए यहाँ सबको बुलाया गया है। हम सब मोहल्ला कमेटी की तरफ से जुड़े हुए हैं और हमारा भी यही नारा रहता है कि हम सब एक है और एक रहेंगे।